आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न बोला गया है कि क्षार धातुएं क्या होती है, इनके सामान्य लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसके सामान्य लक्षणों का वर्णन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया, दोस्तों यहाँ पर हमें क्षार धातुओं के बारे में पूछा गया है कि क्षार धातुएं क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी क्षार धातुएं हैं वो कहाँ पर रखी गई है, दोस्तों हमारे एस ब्लॉक के वर्ग एक समूह के तत्वों को हम क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों हमारी आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के तत्वों में हमारी दोस्तों कौन सी है, ये हमारे वर्ग एक समूह के तत्वों को हम दोस्तों वर्ग एक समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, क्षार धातुएं कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं एक डायग्राम ले लेता हूं जो कि हमारे किसका रहेगा, एस ब्लॉक के तत्वों का। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारे एस ब्लॉक के तत्व इनके मैं दोस्तों यहाँ पर डायग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर हमने एस ब्लॉक के तत्वों के लिए लिया है। एस ब्लॉक में हमारे क्या आते हैं दोस्तों, वर्ग एक और वर्ग दो समूह हमारे आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ग एक समूह है ये हमारे क्या होता है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं क्षार धातुएं। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो हमारा वर्ग दो है इसे हम क्या कहते हैं, इस समूह को हम कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है, तो इसे हम जानते हैं क्षारीय मृदा धातुओं के तौर पर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें वर्ग एक समूह जो कि हमें क्षार धातुओं के बारे में पूछा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसके लक्षणों का वर्णन करना है कि इसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं, तो एक एक करके दोस्तों हम इनके महत्वपूर्ण लक्षण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है दोस्तों, वो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे क्या आते हैं, हाइड्रोजन आता है। ठीक है, लिथियम आता है इसके तत्वों में, सोडियम आता है, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सारे तत्व आते हैं हमारे। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कुछ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूँ, अगर लिथियम का देखा जाए तो लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s पे 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से दोस्तों अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है हमारा 1s2, 2s2, 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन और 3s पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3s1। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण गुण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोस्तों ये जो हमारा बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये जो हमारा बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं ये दोस्तों कहाँ भरे जा रहे हैं, हमारे NS1 पे भरे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, NS1। ठीक है, S के S में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन, इस तरह से भरे जाते हैं आखिरी कोष में। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके दूसरे महत्वपूर्ण लक्षण की, तो वो क्या होता है दोस्तों, हम जानते हैं कि ये दोस्तों हमारे क्या होते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा वर्ग एक समूह के तत्व हैं, वर्ग एक समूह के तत्व ये क्या होते हैं दोस्तों, क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। कह सकते हैं दोस्तों इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, और वो क्यों होती है दोस्तों, इसके एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से त्याग कर सकता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं और अत्यधिक मात्रा में यौगिक का निर्माण करते हैं। अब दोस्तों अगर मैं इसके तीसरे गुण के बारे में बात करूं, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्रियाशील अधिक होते हैं, इसलिए दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि यह क्या करते हैं, प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं इसके चौथे महत्वपूर्ण लक्षण की बात करूं, तो दोस्तों हम जानते हैं दोस्तों ये जो हमारी क्षार धातुएं हैं, ठीक है, ये जो हमारे वर्ग एक समूह के तत्व हैं जिन्हें हम कहते हैं क्षार धातुएं, ये क्या करती है दोस्तों, ये आयनिक लवण बनाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह आयनिक लवण का निर्माण करती है, लवण का निर्माण करती है। ठीक है, निर्माण करती है। तो ये हो गए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण लक्षण जो कि हमारे वर्ग एक समूह जिन्हें हम क्षार धातु कहते हैं, इनके बारे में हमें प्रश्न में पूछा गया था, और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।